हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है, और लाइकेन प्लैनस में आज हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के लाइकेन प्लैनस होते हैं और किस एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा होता है, और इसके लिए मेल और फीमेल किस में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंस होता है। तो लाइकेन प्लैनस जो है, इसमें आप जब देखेंगे कि ये जो लीजन है ये म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है, यानी कि जो ओरल कैविटी के अंदर म्यूकोसा में भी हो सकती है। म्यूकोसा का मतलब होता है सॉफ्ट टिश्यू, जहाँ पे सॉफ्ट एंड प्लायबल टिश्यू, और जहाँ पे वो वेट रहता है सतह, उसे हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। और जो हमारी स्किन होती है वो, उसे हम लोग जो ऊपरी लेयर होते हैं उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो स्किन के नीचे की लेयर होते हैं उसे डर्मिस कहते हैं। तो स्किन और म्यूकोसा दोनों डिफरेंट है। आपके स्किन जो है वो मॉइस्ट नहीं होती है, लेकिन म्यूकोसा जो है वो मॉइस्ट होती है। तो लाइकेन प्लैनस जब इसका जो फर्स्ट साइन आप देखेंगे तो ये माउथ में अपीयर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत कम ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कि माउथ में लाइकेन प्लैनस नहीं है बट क्यूटेनियस यानी कि स्किन रीजन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले चीज़ कि म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है, यानी कि म्यूकोसा में भी है और स्किन में भी है। तो आपको यहाँ पे जो सतर्कता है वो ज़्यादा रखना होगा कि समटाइम क्या होता है कि माउथ के अंदर लाइकेन प्लैनस अपीयर हुआ, और उसके बाद वो अगर आपने उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया तो माउथ के बाद वो स्किन को भी कवर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि माउथ के अंदर वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो माउथ के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो आपका होता है बकल म्यूकोसा। बकल म्यूकोसा मीन्स चीक के अंदर की सतह। उसके अलावा लिप्स पे भी हो सकता है, वर्मिलियन बॉर्डर के आसपास हो सकता है, और कई बार लेबियल म्यूकोसा यानी लोअर लिप के जो लेबियल म्यूकोसा होते हैं उसके बाहर के हिस्से पे हो सकता है। और इसमें जो है पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि लाइकेन प्लैनस अगर टंग के ऊपर है तो टंग का जो लाइकेन प्लैनस है वो डिफरेंट होता है अपीयरेंस वाइज। कई बार इसमें आपको बारीक लाइंस दिखेंगी, और कई बार जो टंग का लाइकेन प्लैनस है उसमें आपको बारीक लाइंस, वाइट लाइंस नहीं दिखेगी, एक थिक पैच के रूप में वो दिखेगा। और समटाइम ये टंग पे अगर मौजूद है थिक पैच के रूप में तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यहाँ पे कोई बर्निंग पेशेंट को है या नहीं। और स्पेशली जो लाइकेन प्लैनस होता है वो प्रीडोमिनेंटली आप देखेंगे तो वो फीमेल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में जो है लाइकेन प्लैनस का कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस होता है, बट बहुत सारे ऐसे स्टडी हैं जिसमें कि स्ट्रेस इसके लिए कारण नहीं माना गया है। क्योंकि कुछ 19 ईयर्स ओल्ड पेशेंट होते हैं, कुछ 18 ईयर्स ओल्ड पेशेंट होते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि एज रेंज जो है वो खास तरह से वैरी करता है, यानी कि जो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ है वहाँ से लेके फिफ्थ डिकेड ऑफ लाइफ, यानी कि इन बीच का, यानी कि 18 से 20 साल या 20 से लेकर के 45, 46, 48 साल के एज तक ये हो सकता है लाइकेन प्लैनस। तो ये जो एक ह्यूज एज रेंज है यहाँ पे कि इस बीच में ये हो सकता है। तो मान लीजिए किसी 18 ईयर से एडल्ट पेशेंट है वो, और अगर उन्हें लाइकेन प्लैनस डायग्नोस होता है तो वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है कई बार, कि पेशेंट को कोई भी ऐसा स्ट्रेस नहीं होता है, बट लाइकेन प्लैनस पेशेंट में पाया जाता है। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज़ है कि जो वाइट लाइन्स है अगर वो अपीयर हो रहा है तो आप इसे इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिम्टम्स होता है इनिशियली पेशेंट को, सिर्फ लाइन्स बनती हैं, और पेशेंट जो है अवेयर नहीं होते क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं होता है। धीरे धीरे ये लाइन जो है क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होती है, और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है आपका बर्निंग सेंसेशन। तो बर्निंग सेंसेशन, जब पेशेंट हॉट और स्पाइसी फूड लेंगे तो उन्हें बर्निंग सेंसेशन होता है। और लाइकेन प्लैनस के बहुत सारे वेराइटी हैं, जैसे कि रेटिकुलर लाइकेन प्लैनस जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है और इसे हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अब जो रेटिकुलर लाइकेन प्लैनस है उसमें हम देखेंगे कि जो व्हाइट रेडिएटिंग लाइन्स है वो एक स्ट्रिएटेड लाइन्स की तरह रन कर रहा है, यानी कि वहाँ पे जो फैशन है वो विकम स्ट्रेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं विकम स्ट्रिया मेडिकल टर्म में, बट वो एक
क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होता है वाइट लाइंस, और यहाँ पे पेशेंट का जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रेट्रोमोलर एरिया होता है, यानी कि पिछले हिस्से से वो स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे एक आप फोटो देख रहे हैं, ये मेरे पेशेंट है, इनका आपने देखा कि जो लाइंस है वो क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज है। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन था और पेशेंट का जो इलाज हुआ था, तो ये पेशेंट का मतलब आप देखेंगे कि जो इलाज के बाद जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो इसमें कुछ कंडीशन ऐसे हैं, जैसे कि कई बार पेशेंट क्या होता है, ये जो लाइकेन पैनस है वो हेपेटाइटिस सी से भी एसोसिएटेड हो सकता है। कुछ आर्टिकल्स इसके लिए प्रूवन स्टडी भी है कि कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है। तो जैसे पेशेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है, कई बार ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन से भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो हमें देखना होता है कि पेशेंट किस तरह के हैं, क्या वो डायबिटिक हैं या फिर कोई इनका हेपेटाइटिस का हिस्ट्री रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है और उसके बाद ही इलाज संभव है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लाइकेन पैनस के बहुत सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, बट आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मान लीजिए कि इस बीमारी में मान लीजिए स्टेरॉयड ट्रीटमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको स्टेरॉयड की जरूरत है सिस्टेमिक कि नहीं है, ये आप डिसाइड ना करें और खुद से अपनी मर्जी से इसके लिए दवा भी आप ना लें। और अपनी मर्जी से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन शॉप से पूछ के, तो ऐसा भी ना करें, बहुत ज़्यादा खुद पे ट्रायल ना करें। और ज़रूरी है कि अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं और आपको भी यही बीमारी है, तो आपको निकट के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए या फिर आप जो है डेंटल कॉलेज में भी जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। और जो ये पेशेंट है मेरे, उनका जो रिजल्ट आया था आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, तो आप देखेंगे कि जितने भी फाइन रेडिएटिंग लाइन्स है वो बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है, और यहाँ पे जो पेशेंट का सिम्टम्स है वो भी काफ़ी लेस हो गया था। तो इसमें जो है पेशेंट जो है मेरे, वो उनके कुछ हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो ध्यान में रख के ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और सबसे पहली चीज़ कि लाइकेन पैनस को आप इस तरह से ना सोचें कि ये कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो बीमारी है इसमें जो पोटेंशियल होता है कैंसर का वो बहुत ही लेस होता है, 0.3% के आसपास इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है, जो कि वेरी वेरी रेयर होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ तो मुझे क्यों इस तरह के लाइंस बन रहे हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, और मैं आई बटन पे यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।